गाइस मेरे पीछे है ताज, एक 5-स्टार होटल, और इस होटल के अंदर हो रही है एक बहुत ही ग्रैंड लग्जूरियस वेडिंग, और मैं जाने वाली हूँ इस शादी में, वो भी बिना किसी इनविटेशन के। और इसमें जाने से पहले मैं अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए गई कुछ नॉर्मल शादियों में। तो गाइज अभी मैं जा रही हूँ अपनी पहली वेडिंग क्रैश करने। धक 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 हो रही है, पकड़ी ना जाऊं, मुझे बर्तन मारने से बहुत डर लगता है भाई। ये गिफ्ट जो पैक करा रखा है डब्बे में कुछ भी नहीं है गाइज, मेरे अंदर इतना डर है। मेन गेट से एंट्री भी नहीं ले रही हूँ, ये ना पीछे वाला पार्किंग वाला गेट है, यहाँ से जा रही हूँ स्नेक करके। और इन शादियों में जाकर मेरा गोल ये रहेगा कि मैं खाना खा सकूं और दूल्हा दुल्हन को गिफ्ट देके उनको ये बता सकूं कि मैं उनकी शादी में बिना इनविटेशन के आई हूं। भाई दूल्हा दुल्हन का नाम क्या है ये तो पता कर। ओ यार ये भी नहीं पता हमें। पकड़ी गई ना तो मैं तो बोल दूंगी भाई मैं तो मुआ हूँ, पार्लर वाली दीदी। कुछ अच्छा सा बहाना सोच ले अपने लिए। मैं तो बोल दूं भैया जी मैं तो कैमरा मैन हूँ। तुम्हारा कैमरा कहाँ है? कैमरा कहाँ है तुम्हारा? कैमरा लाना भूल गया मैं। अब भाई वो कौन सी धारा लगती है? मैंने सुना है धारा वाला आ गई है, शादी क्रैश करने वालों को धारा लग जाती है, 2 साल की जेल है। ये पहले नहीं बता सकते थे? छोटी मोटी चीज सही पर कुछ तो खा के जाऊं भाई। इधर तो नहीं जा रही, इधर तो बहुत सारे अंकल हैं। खा नहीं हूँ टिक्की देना। कहाँ घूम रहा है यार? भाई मेरी बहुत हालत टाइट हो रही है। इसकी हालत टाइट हो रही है और मेरा सोचो जो ये कंटेंट बना रही है और जो बहुत सारी वेडिंग क्रैश करेगी, मेरी हिम्मत के लिए ना चैनल सब्सक्राइब कर दो और 2 मिलियन कराओ। टिक्की खा ले ले। खा लिया फिर पकड़ा गया तो बोलेंगे तूने खाया क्यों, इसलिए मैं बोल दूंगा मैंने खाया नहीं, चाहे मेरा पेट फाड़ के देख लो। जूते तो बिना खाए भी पड़ने हैं, खा के भी पड़ने हैं, कम से कम खा कर तो पड़े। मैं दूल्हे के जूते चुराऊंगा। अभी तक यहाँ सारे जितने भी लोग हैं सब लड़की की साइड वाले हैं, तो ये हमें सोचते हैं दूल्हे की साइड से हैं पर पहले आके बैठ गए, पर अभी जब थोड़ी देर में दूल्हे वाले भी आ जाएंगे बना ले गए तब असली कंफ्यूजन क्रिएट होगा। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि आपको कहीं ऑल लाइट देखा है पर कहाँ देखा है ये नहीं पता। वीडियो बनाती है ये इंस्टाग्राम पे। हाँ बिजनेस के बारे में बताते हैं वो। चौमिन कहाँ है? खत्म हो गई क्या? जब तक दूल्हा दुल्हन आते हैं बाराती आते हैं तब तक खा पी के सेट हो जाऊं ताकि से अपना टारगेट पूरा करूं और भगल हूं यहां से। खाने वाला टारगेट तो पूरा हो रहा है देखो। कुछ भी कहो फ्री का खाना खाने का मजा ही अलग है। बेटा अरे चुप हो जा यार, मेरे पास बताओ यार। तुम लोग चैनल का नाम क्या? खबर फैल गई मुझे लगता है। तरुण नागर की शादी है? अरे वाह तरुण नागर, ये लड़की का नाम नहीं पता, हमें भी नहीं पता। ये तो ऐसे घूम रहे की पापा की शादी है। सब मुझे दूल्हे का छोटा भाई समझ रहे हैं यहाँ पे। मुझे समझ रहे हैं दुल्हन की छोटी बहन। मैं तेरा जीजा लगा फिर। जीजू 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 आ गई है और मैं जा रही हूँ लड़की वालों की तरफ से वेलकम करने दूल्हे का। आप बहुत सुंदर लग रही हो, गाली पड़ रही है। गाली मुझे भी सिखाओ ना। गंजा गंजे आए सारे, गंजा गंजे आए सारे, गंजा गंजे आए सारे। अरे वो तो पीपले पीपले। लेट शादी है यार, सब कुछ इतना लेट हो रहा है ना यहाँ। एक काम कर तू जाके अनाउंस कर दे कि भाई व्यवस्था बहुत ढीली पड़ रही है, लेट क्यों कर रहे हो, मुझे अपना व्लॉग बनाना तो जल्दी जल्दी शादी करो है ना। भूत बना देंगे, मैं तो अमीर लग रही हूँ, मेरी कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों जो पीछे मेरे साथ आए हैं ना ये लग रहे गरीब। 50 तोला 50 तोला। क्या है? किसी को कुछ मत बताना, किसी को
कुछ भी मत बताना। अच्छा मुझे ना आपको ये बोलना था, आपको पता मैं आपकी शादी में ना बिना इनविटेशन के आई हूँ। टेंशन मतलब मैंने गाना नहीं गाया। तुम्हें शर्म है कुछ? आगे जाना बिल्कुल। कांग्रेचुलेशंस भाई, एम्बैरेसिंग तो है बट कर दिया। पर अब देखना ये कि क्या मैं एक 5-स्टार वेडिंग क्रैश कर पाऊंगी या नहीं। और यहाँ मैं रेडी हो रही हूँ अपनी अगली शादी में जाने के लिए। और भाई साहब, फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि विंटर्स में भी मेरी स्किन ग्लो कर रही है। बिकॉज दिस विंटर मैं यूज कर रही हूँ मामाअर्थ विटामिन सी ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर। ये विटामिन सी की गुडनेस के साथ आता है और बहुत लाइट वेट एंड नॉन स्टिकी है। ये मेरी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करने के साथ साथ नेचुरली विंटर ग्लो भी देता है। और कंसिस्टेंट ग्लो के लिए मैं इसके साथ 5% विटामिन सी डेली ग्लो फेस सीरम भी यूज करती हूँ। मैं इन्हें डेली सुबह और रात को यूज करती हूँ। आप भी अपने लिए ऑर्डर कर सकते हो, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मेरा कूपन कोड NISST2023 यूज कर लेना तो आपको 20% ऑफ भी मिल जाएगा। और मामाअर्थ की सबसे अच्छी बात, जब भी आप इनसे कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हो, ये आपके ऑर्डर को एक वेबसाइट से लिंक करके एक ट्री लगाते हैं। और इनका एम है 2025 तक 1 मिलियन ट्रीज लगाना। और मामाअर्थ के प्रोडक्ट अब सभी कॉम लाइक अमेजोन, नाइका, फ्लिपकार्ट के साथ साथ आपके नियर बाई स्टोर्स पे भी अवेलेबल है। तो कहीं भी आपको दिखे कॉमेंट करके जरूर बताना। अब चले अपना ग्लोई चेहरा लेके अगली शादी में। अन्नू वेड सचिन राठौर फैमिली ने डिनर होस्ट किया है। ये माला है पहनाने के लिए। किसी ने पहचाना तो नहीं है? हमें पहचानेंगे भी कैसे, जानते थोड़ी है। वो मेरे से पूछ रही थी कि ब्लॉग कब आएगा, अगर नहीं पकड़ी गई तो जल्दी आएगा। और भाई सबसे ज्यादा एम्बैरेसमेंट तो तब हुई जब मैंने देखा कि जो फूल मैं दूल्हे को देने के लिए लाई थी उन सेम फूलों की तो इन्होंने सजावट कर रखी थी। लेट हो गए काफी, तमन्ना भारी भारी सा हो रहा है ना। ऐसे लड़की की शादी होती है तो नहीं होता कि बहन सुबह चली जाएगी। नाम क्या है दीदी का? नहीं आपको भी पता क्या? आप भी बिना बुलाए हो क्या? नहीं नहीं हम तो उधर लड़कों तरफ से हैं। अच्छा मैं बिना बुलाई हूँ। आप क्या बुलाए हो? अच्छा आप किसकी तरफ से आए हो? मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ। यहाँ मैनेजमेंट में? अच्छा हुआ कुछ बोला नहीं। अंकल नमस्ते। नमस्ते। पहचान नहीं मैंने। हैं? पहचान नहीं। पहचान नहीं आपने? बहुत देर सोच रहा हूँ, कौन ध्यान नहीं आ रहा। आप मेरे को पहचान भी नहीं पाओगे, पता है क्यों? क्यों? किसी को बताओगे तो नहीं। प्रॉमिस करो, पिंकी प्रॉमिस। किसकी? पिंकी प्रॉमिस करो। पिंकी का वादा है? मतलब पक्का वाला वादा करो, किसी को नहीं बताओगे। अच्छा पक्का वाला था? मैं ना बिना बुलाया आई हूँ। मैं बिना बुलाया आया हूँ। बल्कि आप अकेला है, कौन कौन है साथ में? मैं तो अकेली आई हूँ। मैं तो पूरी फैमिली लेके आया हूँ। दुनिया यारां दी चरतों रुकिया ना रुकदा ए वहम कर दो मैं खा।
मिस्टेक होगी होगी, गलती होगी होगी। गलती से नहीं, मैं जानबूझ के आई हूँ। आप हंसो और फोटो खिंचवाओ। पुलिस भी यहीं आ रखी है, साथ के साथ ले जाएगी। और यहाँ मैं जैसे ही अंदर पहुंची, हमें पता चला कि शादी नहीं है, अंदर बर्थडे पार्टी थी। और गाइज अब टाइम था हमारी 5-स्टार वेडिंग में जाने का। फेस पर इतना फेक कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ता है ना, जैसे लगता है मेरे खुद के बाप की शादी है। ये आंटी जा रही है तैयार होकर, इन्हीं के पीछे जा रही हूँ। ये शादी मुझे बहुत महंगी पड़ जाएगी। और जैसे ही हम अंदर पहुंचे, हमने देखा कि यहाँ पर तो एक साथ 3 फंक्शन हो रहे हैं, पर हमारे काम का तो एक ही था। वेलकम टू द वेडिंग ऑफ राघव एंड पल्लवी। राघव और पल्लवी का वेन्यू ढूंढते। राघव और पल्लवी जी कहाँ हो? वेलकम टू द वेडिंग ऑफ राघव एंड पल्लवी। मैं किसकी तरफ से? राघव की तरफ से, पल्लवी की तरफ। राघव की तरफ। शादी में गिनती के 50 लोग हैं, अगर पकड़ी गई ना, कैसा भी लग रहा हो, अमीरों की चीज को अच्छा ही बोलना पड़ता है। अमीरों की शादी का एक फायदा तो है, जाकर नहीं खाना पड़ता, खाना खुद चल के तुम्हारे पास आता है। क्या है यार, बार बार एक ही चीज ला रहे हो, कुछ नया लाओ। चीज नान। अच्छा इसको ऐसे ही खा लूं? नान काफी छोटा नहीं है? ओ गया मैं। बस 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 बस। नहीं ना? नहीं नहीं प्लीज। अमीर लोग पानी पीने के बाद गिलास कहाँ रखते हैं? यहीं रख देते हैं। फिर उन्हें पता कैसे चलेगा कि ये साफ है कि गंदा? नहीं नहीं ये पलटा हुआ है। अच्छा, और ये भी पलट के रख दूँ तो? एक मिनट रुको, सुनो। नाइस स्माइल। हर जगह लोग मेरे साथ फोटो लेते हैं और मैं यहाँ आकर सबके फोटो खींच रही हूँ। मैं इतनी घबराई हुई हूँ और मैं फंबल कर रही हूँ। घंटी रखी है बजाने के लिए। इनकी सिक्योरिटी बार बार आके चेक करी थी। इससे पहले कोई मुझसे आके कुछ पूछे, मैंने दूल्हा दुल्हन को सच बताया और पतली गली पकड़ के निकल ली।